हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के आपके सपनों का देश मेन की यूएसए की एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लेके आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कोई ना कोई देश की एक अच्छी खबर, चाहे वो वर्क परमिट की हो, चाहे स्टूडेंट परमिट की हो, चाहे वो टूरिस्ट परमिट की हो, मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, आज उसी तरह ही मैं एक यूएसए की बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि यूएसए के अंदर कौन सा वीज़ा ओपन हुआ है, उस वीज़े का नाम क्या है और कितनी वैकेंसीज है और कैसे हम लोग जा सकते हैं और कैसे हम जॉब भर सकते हैं। तो दोस्तों, यूएसए ने अभी फॉरनर वर्करों के लिए 35,000 टेम्परेरी नॉन एग्रीकल्चर जो वीज़े हैं वो इशू करने की घोषणा की है। पहले भी इन्होंने 65,000 वीज़े निकाले थे, अभी इन्होंने 35,000 वीज़े निकाले हैं। और वहाँ की जो DHS और वहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने यूएसए ने ये घोषित किया है कि जो अदर कंट्री के जो वर्कर हैं वो हमारे देश में आके सीजनल वर्क कर सकते हैं, उस वीज़े का नाम है H2B। क्योंकि यूएसए के अंदर अगर आप जा रहे हो, कोई ना कोई वीज़े का एक कोड होता है, उसी कोड के आधार पर वो वीज़े इशू होते हैं और इस वीज़े का कोड है H2B। और इस वीज़े के कोड के आधार के ऊपर यूएसए की गवर्नमेंट ने 35,000 जो फॉरनर वर्कर को टेम्परेरी जो वीज़े इशू करने जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत एक अच्छी खबर है और इस पे आप लोगों को ज़रूर गौर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 35,000 वीज़े क्यों निकाले गए हैं? जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसी भी कंपनी को टेम्परेरी वर्कर चाहिए होते हैं, सबसे पहले वो अपने देश के अंदर एडवर्टाइजमेंट करती है। इसी तरह यूएसए की कंपनियों ने अपने देश के अंदर एडवर्टाइजमेंट किया मगर उनको नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने बात करी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और DHS से भी, हम लोगों के लिए इस जगह को फिल करने के लिए और हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को फॉरनर वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर गौर किया और उन्होंने ये वैकेंसीज को रिलीज़ किया कि 35,000 जो वर्कर हैं वो हमारे देश में आकर आराम से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस वैकेंसीज को थोड़ा उन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 11,500 वैकेंसीज जो अमेरिका के नज़दीक लगती हुई कंट्री हैं, जिसमें ईस्ट सिल्वाडोर है, गोटेमाला है, हंडुरस है और भी एक अधिक कंट्री है जिसके लिए अमेरिका ने 11,500 वैकेंसीज रखी है। और जो 23,000 वैकेंसीज हैं वो अदर कंट्रीज़ के लिए हैं, उनके जो वर्कर हैं वो अमेरिका में आके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अकेले हिंदुस्तान के लिए वैकेंसीज नहीं है, अकेले पाकिस्तान के लिए वैकेंसीज नहीं है, अकेले बांग्लादेश के लिए वैकेंसीज नहीं है, ये हर वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री के लिए वैकेंसीज हैं। किसी भी कंट्री का जो भी वर्कर है वो अमेरिका में आके काम कर सकता है। H2B वीज़ा जो कि एक टेम्परेरी 6 महीने का वीज़ा है और उसमें जाके आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपका काम वहाँ की इंडस्ट्री को अच्छा लगता है, वहाँ के ऑनर को अच्छा लगता है, तो वो आपका वीज़ा 1 साल से लेकर 2 साल तक बढ़ा सकता है मगर इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और जब आपका वहाँ पर वर्क ख़त्म हो जाता है तो आपको इमिडिएटली अपनी कंट्री में वापस आना पड़ता है, आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए वैकेंसीज कहाँ से ढूँढें? मैं हर बारी हर वीडियो में बताता हूँ कि इसके लिए आप लोगों को गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। आप लिखिए US जॉब पोर्टल, तो वहाँ पर आप सर्च कीजिए कि टेम्परेरी वर्कर जो जॉब है वो आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर कई कई इंडस्ट्रीज ने अपनी जॉब डाली हुई हैं, वहाँ पर आप अपनी आराम से जॉब को भर सकते हैं, अपने ज्यूम को भर सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि यूएसए है, यूएसए हर एक वर्कर की पढ़ाई को मायने रखता है। वहाँ पर क्या है कि जो वैकेंसीज के अंदर डिग्री लिखी है या डिप्लोमा लिखा हुआ आपका कंप्लीट होना चाहिए, इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए और आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ट्रेड में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी आप यूएसए में जाकर टेम्परेरी जॉब्स कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज यूएसए कभी भी किसी को ऐसे नहीं जॉब देता है। और जब भी वो जॉब निकालता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए जॉब निकालता है। यहाँ पर बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे वर्कर्स हैं वो जॉब को भरते हैं और वो वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर गढ़ है, आपके अंदर अच्छा हुनर है और आप अमेरिका जाके काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर जॉब भरें। जॉब का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप गूगल पर जाके सर्च करके जॉब को भर सकते हैं और वहाँ पर आप जाके
काम कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी खबर ये है कि यूएसए ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू पोर्टल खोल दिए हैं। जो स्टूडेंट यूएसए में पढ़ना चाहता है वो अमेरिका की जो एम्बेसी है वहाँ पर इंटरव्यू कर सकता है। उसके पोर्टल पर जाके अपना जो भी बायोडाटा है वो भर लें और वहाँ से आप डेट ले लें इंटरव्यू की, फिर आप जाके आराम से वहाँ पर इंटरव्यू कर सकते हैं। और आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि वो फ्रेश जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मांग रहे हैं, भाई वही स्टूडेंट्स आएँ। अभी दूसरे के लिए जिन्हों का गैप है या कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं आई है। दोस्तों ये एक यूएसए की छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।